नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार में। तो डियर, मैं अमरेश कुमार यहां पे आज आप लोगों को गेट 2023 से रिलेटेड अपडेट को लेकर मैं बात करने वाला हूं। तो क्या अपडेट है और क्या एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे का फी लगने वाला है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इस पे बेस्ड हम लोग जो है पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे। और ये अपडेट आज 27 जुलाई को अपडेट जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, पूरा वाउचर्स देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार यानी 2023 में जो आईआईटी का गेट का एग्ज़ाम होगा वो आईआईटी कानपुर जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज है आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। डिटेल पीडीएफ जो है आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पर दे दूंगा। यहाँ पे जो एग्जाम डेट है वो आपका 4, 5, 11 और 12 फरवरी को 2023 में होगा। एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा। टोटल सब्जेक्ट पेपर जो है 29 यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चंस का पैटर्न जो पहले था वही रहने वाला है। मल्टीपल च्वाइस, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपका रहने वाला है। एक कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा 1 और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पेपर को लेने के लिए, कंबाइनली वो ले सकते हैं। ओके, इसके अनुसार आप जो है जा सकते हैं। उसके बाद अलग अलग जोन्स में यहाँ पे जो है आप दे सकते हो। एग्जाम जो है आपका 3 घंटे का होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिया गया है एंड क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटीज रिकॉल कम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एंड एनालिटिक सिंथेसिस। जो क्वेश्चन होता है वो आपका 55 क्वेश्चन जो है आपका ब्रांच पेपर से होता है और 10 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस, जिसमें रीजनिंग और आपका जनरल मैथ्स भी जो है इसमें शामिल होते हैं, है ना। जनरल एम्पलीट्यूड 15 मार्क्स का होता है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का, और आपका ब्रांच पेपर अगर सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, जो भी है उसके अनुसार यहाँ पे जो है होता है। टोटल 100 मार्क्स का जो आपका क्या होता है एग्जाम होते हैं। तो इस तरीके से, और मार्किंग के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाला होता है। अगर MCQ के बारे में बात किया जाए तो उसमें एक गलती पे 1/3 मार्क्स कट जाएगा। अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 1/3 मार्क्स आपको जो है रॉन्ग होंगे। लाइक अगर 2 मार्क्स वाला है तो 2/3 मार्क्स जो है आपको डिडक्ट होंगे। और अगर मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल टाइप है तो उसमें जो है कोई निगेटिव आपका नहीं होता है। ओके, तो देखो ऑलरेडी पहले जो लेवल था वही लेवल है। यहाँ पे आपका जो सिलेबस था सिलेबस भी वही रहने वाले है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, है ना। तो जोन वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन कौन सा कोर्सेज आप लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो। इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 30 अगस्त 2022 से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और 30 सितंबर तक आप जो फॉर्म को भर सकते हैं। और डेट एक्सटेंड होने के बाद आप जो है 7 अक्टूबर तक मैक्सिमम भर सकते हैं लेट फाइन के साथ। और लास्ट डेट टू चेंज कैटेगरी पेपर एग्जामिनेशन सिटी या एडिंग न्यू पेपर वो 11 नवंबर तक कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो है 3 जनवरी को जारी किया जाएगा 2023 में और एग्ज़ाम जो है फरवरी में आपके कंडक्ट किए जाएंगे। जो रिजल्ट्स हैं वो पोर्टल पे आपको जो है 16 मार्च 2023 को अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी सेम चीज़, जो लोग बीटेक थर्ड ईयर में अपीयरिंग में हैं वो भी इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। बाकी जो पास आउट हो चुके हैं वो तो ऑब्वियसली इसको भर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थर्ड ईयर में है वो भी यहाँ पे अलाउ है और ये पिछले साल से ही अलाउ हुआ है, उससे पहले यहाँ पे नहीं था। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जिनका जो है 2024 में कंप्लीट होगा वो भर सकते हैं,
और अगर बी आर्किटेक्ट की बात किया जाए तो जिनका 2025 में कंप्लीट होगा वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग जो है ईयर वाइज दिया गया है, उसके अनुसार जो है वो फॉर्म इसका भर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, किसका क्या शॉर्ट फॉर्म होता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, है ना। उसके बाद मैं बात करूँ तो एग्जाम सेंटर आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको जो है चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, उसके अनुसार जो है आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे जोन वाइज यहाँ पे जो है बनाया गया है, उसी के अनुसार जो है आपका सेंटर होगा। तो देखो आईआईटी कानपुर के अनुसार बात किया जाए तो यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यहाँ पे होने वाला है। फिर अलग अलग जोन वाइज यहाँ पे जो है सेंटर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें एप्लीकेशन फी की, तो जो जनरल कैंडिडेट होंगे है ना, वो को 1700 लगेगा। पहले जो है ये 1500 रुपया लगता था। कितना लगता था? 1500 रुपया। और ये जो फीमेल कैंडिडेट हैं या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इनका जो है 750 रुपया लगता था, बट इसे बढ़ाकर जो है 850, यानी 100 रुपया इधर कैटेगरी में बढ़ाया गया, और जो ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट थे उनको 200 रुपये इधर बढ़ाया गया, यानी 1700 इधर कर दिया गया 15 से, और इधर 7.5 से 8.5 कर दिया गया। उसके बाद लेट फाइन के साथ 1350 से 2200 आपको देना पड़ेगा, मतलब जो कैटेगरी के होंगे एससी एसटी एंड फीमेल उनको जो है 1350, और जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के होंगे उनको जो है 2200 रुपया यहाँ पे लगेगा। ये बात किया जा रहा है इंडिया में, पर सब्जेक्ट के अनुसार ये आपका लगने वाला है। फिर अगर आपका बात किया जाए ढाका या काठमांडू में, तो 100 यूएस डॉलर और 150 यूएस डॉलर मतलब बिना लेट और लेट के साथ, और दुबई और सिंगापुर में 200 डॉलर और 250 डॉलर यहाँ पे लगेगा। तो देखो ये बहुत ज़्यादा है ना, मैंने फी एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पे बढ़ाया गया है, तो ये अपना चेक कर लेना। जिनको भी यहाँ पे भरना है वो अपना फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी जो है विजिट कर सकते हो। स्कोर कार्ड भी जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रिलीज किया जाता है। उसके बाद बात किया जाए तो बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पहले मैंने दिया था वही इन्फॉर्मेशन आपको जो है सेम है पिछले साल के जैसा ही। जो मेन चेंजेस है वो आपका दुखद वाली चीज़ें यही है कि आपको जो है एप्लीकेशन फी जो है बढ़ा दिया गया, वेरी सैड न्यूज़ है, बट क्या करोगे, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ तो मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और दिखाया गया कि फ़ोटो का सैंपल आपका किस तरीके का एक्सेप्ट किया जाएगा और किस तरीके का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर ये है नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है कि कौन सी फोटो आपका एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा फोटो जो है आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मास्क वाला नहीं चलेगा, ब्लर फोटो नहीं चलेगा, इस तरीके से फेस अगर कवर्ड है तो नहीं चलेगा, बाल खुला हुआ है नहीं चलेगा, है ना, इम्प्रॉपर बैकग्राउंड है नहीं चलेगा, और अगर आपका फेस डायरेक्ट नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा, दोनों कान आपका नहीं चल रहा है तो नहीं होगा, है ना। इस तरीके से आपको जो है चेक कर लेना है, अगर डार्क बैकग्राउंड है तो भी आपका फोटो नहीं चलेगा। और जो फाइल साइज है 5 KB से 200 KB के बीच में आपका होना चाहिए, चाहे सिग्नेचर्स हो चाहे वो फोटो आपका हो, दोनों ही चीज़ें आपका। अगर पिक्सल में बात किया जाए तो आपका जो है मिनिमम पिक्सल 80x280 और मैक्सिमम जो है 160x560 का पिक्सल साइज आपका होना चाहिए। सिग्नेचर्स भी उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा आपका एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक है।
और उसके बाद कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब नहीं है, मेनली वही है। बाकी तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा, है ना। आप लोग अपने सीनियर्स के साथ या आप जो लोग दो एक दो बार भर चुके हैं उन लोगों को तो पता होगा कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे सिलेबस चेक कर सकते हो कि आपका जो है सिलेबस क्या होने वाला है ना। तो सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जनरल एम्पलीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं आपके, है ना। जैसे सिंपल क्वेश्चंस आपको दिया गया तो आप ये चेक कर सकते हो ना। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, अपना सिलेबस अपने सब्जेक्ट वाइज चेक कर लेना। टोटल पीडीएफ आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।